हुआ चैनल, तो आज हम बनाएंगे ऑप्टिमस प्राइम, क्योंकि जो हमने वोटिंग की थी उधर हमारा रिजल्ट ऑफ दो वोट्स मिले और टास्किंग को जीरो। तो गाइस यहाँ पे हमारे को चाहिए रेड और ब्लू पेपर। हम एक दिन और वेट कर सकते थे पर हमने कहा था हम सिर्फ एक दिन वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे को वैसे ही सेम कॉपी टेम्पलेट, सेम नहीं है, बहुत अलग है टेम्पलेट इस बार, क्योंकि उसका जो व्हीकुलर मोड है वो बम्बलबी से बहुत अलग है। बम्बलबी इज ट्रांसफॉर्म्स टू अ कार, बट ऑप्टिमस प्राइम कार ट्रक, ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ ट्रक। और यहाँ पे हमने कुछ पेपर ले लिए और वैसे हॉट ग्लू स्क्रीन रो रहा होगा चलो कोई अपनी अगली बार स्टार स्क्रीन पर बनाएंगे, डिसेप्टिकॉन है हॉट ग्लू और वैसे नॉर्मल कटिंग एंड पेस्टिंग मटेरियल्स जैसे हॉट ग्लू सीजर्स जैसे कि बम्बलबी वाली वीडियो में कॉपी कॉपी सारा मटेरियल वही सेम है, बस यहाँ पे रेड और ब्लू पेपर और एक टेम्पलेट चला गया। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पेज ऑफ टेम्पलेट से पहले क्या बनाए, हेड बनाए या बॉडी बनाए? हेड या बॉडी? नहीं, बॉडी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो हमारे को टेम्पलेट कट करने हैं, इनको हम इनका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दें। हाँ जी, तो यहाँ पे हम इसको कट करेंगे और ब्लू पेपर पे ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे इसका टेम्पलेट की आपको फेस थोड़ा अजीब लगेगा बट हाँ अगर हम इसको ना थोड़ा कट करेंगे और पेस्ट करेंगे तो ऐसा ही लगेगा। अगर हम इसके यहाँ सर पे जो लगा होता है, जो साइड पे लगा होता है, उन चीजों को हटा दें तो ऐसा ही लगेगा। तो गाइस हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्लू पेपर पे ट्रेस करने वाले हैं और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद आपको बता हम इसमें ड्रॉइंग बना देंगे ऑप्टिमस प्राइम के फेस की। तो हमने यहाँ पर ड्रॉइंग भी प्रोवाइड की हुई है ऑलरेडी। तो गाइस यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है यहाँ पे और करके काफी ज्यादा मेहनत हो नहीं इस वाले पार्ट को मेहनत लगी थी क्योंकि यहाँ पे हमारे को बीच में ये वाला पार्ट कटर से कट करना पड़ा था। यहाँ पे हमने ना थोड़ा कट कर लिया है ताकि हमारे को यहाँ ब्लू दिखे और यहाँ पे हमने ब्लू पेन की हेल्प से आईज बना लिया और यहाँ पे आईब्रोज बना लिए तो अभी टकलू सा अजीब सा लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे है इसका मुंह बन जाएगा शक्ल जैसे कि हमारी है सबकी है। तो यहाँ पे ना पेज नंबर वन पे ही ओ भाई सॉरी पकड़ के रख। तो यहाँ पे पेज नंबर वन पे ना एक ऐसा भी पीस है जस्ट हेड से चिपक के ऊपर है, जस्ट हेड से चिपका हुआ था। तो हम इसको भी कट कर लेंगे ब्लू पेपर पे ट्रेस कर लेंगे। तो मैं जल्दी से इसको कट करके लाता। तो गाइस यहाँ पे हमने इसका चेहरा बना लिया है। तो यहाँ पे ऊपर से हमने इसको थोड़ा ट्रिम करके ऐसी शेप दे दिया पर अभी भी इसके यहाँ पे हाँ तो ये है हम इसको इनटू टू लिखा हुआ है। तो इस बार हमारे को इसको पेपर पे चिपकाना होगा क्योंकि आपने देखा ही है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लू ये वाला सर्कल पार्ट होता है वो ब्लू होता है और जो ऊपर निकला होता है वो व्हाइट होता है। व्हाइट मैंने साइड के पीसेस भी चिपका दिए यहाँ पे और यहाँ नीचे और ऊपर से लग रहा है। तो अब हमारे को क्या करना है, अब हम बॉडी बना लेते हैं। बॉडी स्प्रेड होती है ये हमारी बॉडी टेम्पलेट्स टेम्पलेट पे। तो हम इसको जल्दी से कट कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे ना मैंने टेम्पलेट में थोड़ी चेंजेस किए, टेम्पलेट में मेरे पास ज्यादा स्पेस थी नहीं थी इसलिए मैं ऐसे बनाया था। इसमें मैं आपको बता दूँ क्या है यहाँ पे, ये जैसे कि आप देख सकते हैं इतना टेम्पलेट में था ही, जो यहाँ पे टेम्पलेट में निकला हुआ था ना उसको आप मत बनाइएगा। बाद में मैंने यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर की एक लाइन है और यहाँ पे एक 2 सेंटीमीटर की लाइन है और ये 4 सेंटीमीटर लंबा है और इसके 2 सेंटीमीटर में आपको एक क्रीज बनानी है और जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है जी उसमें नहीं बनाई मैंने और यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी है आप थोड़ी सी 4 सेंटीमीटर जो कि मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ रखी हुई है वो मैंने 4 सेंटीमीटर लंबा ये बना दिया है और इसकी लंबाई इसके जितनी है। फिर यहाँ पे मैंने एक और 4 सेंटीमीटर लंबा बना दिया है जिसके यहाँ पे ये वाले पीसेस लगे हुए हैं और यहाँ पे भी वही चीज है 4 सेंटीमीटर लंबाई सेम है और यहाँ पे मैंने एक और ये सेंटर पीस जैसा बना दिया बस इसमें ये तो नीचे निकला हुआ है वो नहीं है क्योंकि वो बनेगा इससे ही। तो अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, यहाँ पे हम अच्छे से इसको फोल्ड कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं और फिर ना हम इसको हर जगह से चिपका देंगे। तो ये हमारी बॉडी बन चुकी है इसकी छाती बना ली है पेस्ट करके, यहाँ पे मैंने छाती बना ली है काफी प्यारी। तो गाइस यहाँ पे मैंने ना 2 छोटे छोटे पेपर के टुकड़े कट कर लिए हैं, एक काफी फेमस डायलॉग है छाती से। तो यहाँ पे ना हम थोड़ा छोटा सा बनाएंगे, थोड़े छोटे होनी चाहिए विंडोज, हम दोनों की जुबान चल रही है थोड़ी छोटी होनी चाहिए विंडोज
तो गाइस मैं यहाँ पे इतनी विंडोज बना रही हूँ, इतनी बड़ी नहीं, निजी विंडोज, ज्यादा बड़ी विंडोज, यहाँ पे ज्यादा ही बड़ी हो रही थी, तो ये गाइस ऐसे फिट आएगा। तो हम इसको ब्लैक कर देंगे, आप चाहो तो व्हाइट रख सकते हो, पर यहाँ पे मैं ब्लैक रखूंगा क्योंकि ब्लैक बहुत ज्यादा कूल लगता है। खिड़कियां बना ली है, इनको हमने ब्लैक कर लिया है, और यहाँ पे ना हमने एडिशनल पीस कटा है, जैसे यहाँ पे, तो गाइस वो यहाँ पे होता है, ये जो यहाँ पे ग्रिल टाइप चीज होती है ना, ये वो है शायद, यहाँ नहीं भाई, मैं कहाँ कहता हूँ, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ मेरी आंखों पे हो। तो गाइस ये ऐसे ग्रिल जैसी जो चीज होती है ना, हाँ में होती है, हाँ जी गाइस ये वही है जो ट्रक के भी आगे लगी होती है सिक्योरिटी रीजंस के लिए, सिक्योरिटी नहीं होती है वो, जो भी होती है डिजाइन होता है भाई, मेरे को कोई कह नहीं। तो गाइस लेट्स कंटिन्यू, यहाँ पे चिपका देंगे, और हमें इनकी खिड़कियों को भी साथ साथ में चिपका देंगे, देंगे पेज वन से टेम्पलेट्स ले लिया है। तो गाइस मैंने एक बात नोटिस की कि हमने बम्बलबी ने ना हेडलाइट्स बनाई थी, ना वीडियो कह रहा हूँ मैं, विंडो, जो कि हम ऑप्टिमस प्राइम में बेसिकली बना रहे हैं। तो गाइस ये हमारा ऑप्टिमस प्राइम ऐसा लग रहा है, ये इसका शक्ल लग रही है, ये देखा शक्ल नहीं, शक्ल ये माइनक्राफ्ट वाली शक्ल लग रही है। तो गाइस हम इसको यहाँ पे रेड पेपर पे ट्रेस कर लेंगे, हमारी रॉड कर लेंगे और बना लेंगे, और फिर जैसे कि हम हमेशा करते हैं, तो यहाँ पे जो इंटू फोर वाला है ना, इसको भी हम इंटू फोर करके कट कर। हाँ तो गाइस जहाँ पे डॉट डॉट बने थे ना, वहां पे हमारे को मैग्नेट चिपकाने, तो अभी तो हमने ढंग से नहीं चिपकाया, ताकि हम यहाँ पे मैग्नेट चिपका सके, तो सेम पोल यहाँ आउटसाइड पार्ट को फेस करना चाहिए, और सेम पोल इनसाइड, और दोनों साइड पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इसके नीचे के पैर घूम चुके हैं, यहाँ पे हमने मैग्नेट चिपका दिए हैं बम्बलबी से। तो गाइस यहाँ पे ये हाथ ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे, और उनका फोल्डिंग मेथड ऐसा होगा कि वो गाइस यहाँ पे उनके पैर नहीं, वो यहाँ पे एक हाफ पार्ट ऑफ द हाथ होगा, और यहाँ पे भी एक पार्ट ऑफ द हाथ होगा पीछे, अच्छा मतलब वो ऐसे फोल्ड होके यहाँ आएंगे, और यहाँ नीचे भी चला जाएगा, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, और वो ऐसे फोल्ड हो सकता है। तो गाइस वो जैसे फोल्ड होगा ना, वो ऐसे एक ही हाथ लग जाएगा, नहीं दोनों हाथ में होगा, और गाइस वो ऐसे ना उसको खड़ा करोगे तो वो नीचे हो जाएगा, क्योंकि गाइस हम ऐसे ही कर सकते थे इसको बनाना था, क्योंकि हम थोड़े से नहीं, ये इस चीज के लिए मेड है, और ये इस चीज के लिए नहीं है, ये इस चीज के लिए भी है, ताकि हम ऐसा एक मूवमेंट मेथड ढूंढ रहे थे जिससे कि वो ऐसे रहे, ऐसे हो जाए, और यहाँ पे लेग्स भी ऐसे ही रहे इंटैक्ट। तो इस मूवमेंट मेथड हमारे को एक ही मिला। तो गाइस अब मैं जल्द से अपने वापस टेम्पलेट, गाइस यहाँ पे ना हमने पेज नंबर टू या थ्री में से ये किसी काम की नहीं है, सॉरी गाइस, यहाँ पे डॉट्स, और यहाँ पे हम एक मैग्नेट चिपकाएंगे, छोटे आएंगे यहाँ ऊपर है, छोटे वाला पीस है, मैं आपको टेम्पलेट से दिखा देता हूँ, ये तो मैंने यहाँ से कट किया हुआ है, यहाँ पे है इसका, ये हम बाद में काटेंगे, और यहाँ पे वो था, और तो गाइस ये हमारे हाथ का एक पार्ट होगा, तो ये ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और गाइस ये वाला जो पार्ट है ना, वो यहाँ से फिट हो जाएंगे, ये किस लिए है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और हाथ का भी पार्ट बन जाएंगे। गाइस यहाँ पे ना हमने पेज नंबर टू के टेम्पलेट से ये काट लिया है, ऐसे टाइप का, और अभी तक इतना बना है हमारा ऑर्डिनेंस फ्रेम, दोनों लेग्स कंप्लीट और बॉडी नहीं, अभी लेग्स में फिट बनेगी, तो यहाँ पे ऐसा बन चुका है, लेग्स और फीट अलग होते हैं, तो इसलिए ये हाथ बन चुका है काफी बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है गाइस, यहाँ पे डालेंगे, फिर हम ना इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और फिर हम इस पूरे हैंड को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पहिए बना लिए हैं, हमने यहाँ पे 12 ऐसे कटआउट, हाँ तो यहाँ पे मैंने ऐसे 12 ले लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ना प्राइम ये तो हमारे हाथ थे ना, यहाँ पे मैंने बीच में एक पेपर की स्लेट ली, उसके दोनों साइड पे हॉट ग्लू लगा दी, और उसको ऐसे चिपका दिया ताकि हमारा हाथ ऐसे हो सके, और गाइस ये ऐसे होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और गाइस यहाँ पे मैंने वो इसका गला भी लगा दिया ताकि यहाँ पे जल जाए, ठीक है ना भगवान। तो यहाँ पे गाइस इसको ट्रांसफॉर्मेशन में इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऐसे पीछे हो जाएगा, और ये ऐसे ही लग जाएगा, और दूसरी साइड भी हम ऐसा ही करेंगे, और फिर हम पैरों को ऊपर कर लेंगे, सॉरी गाइस मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, एक ही पैर जैसा दिखा पा रहा हूँ, तो ऐसे हो जाएगा, और जब इसको हम जमीन पे रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, जमीन या टेबल पे, जैसे कि मैं अभी सामने देख पा रहा हूँ, गाइस आप नहीं देख पा रहे, गाइस मैं दिखाता हूँ, जैसे ये मेरा हाथ है तो ऐसे कुछ जमीन पे हो जाएगा, और ये पर चिपका हुआ होगा। तो गाइस अब हम आ जाते हैं पहियों पे,
तो गाइस हम आपको पहियों का क्या करना है, हमारे को बस एक ही साइड पे काला पेपर या काला रंग जो भी लगाने लगा, मैंने अब काला पेपर लगा दिया है क्योंकि रंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो एक ही साइड पे लगाना है हमारे को, तो एक दूसरी साइड पे क्योंकि हम चिपका देंगे तो हमारे को वेस्ट नहीं करना कोई सामान, इसलिए हम एक ही साइड पे लगाएंगे। तो मैं जल्दी से इनको चिपका के सिक्स व्हील्स बन जाएंगे ऑप्टिमस प्राइम, फिर से दुकान दिस लो क्या सिक्स व्हील्स चल कोई याद नहीं, थोड़ा बहुत वो डे फोर या डे थ्री में हुआ था, चलो कोई याद नहीं, थोड़ा बहुत जोक सपाट हाँ या अभी भी चलता है। तो गाइस हम इसको चिपका देता हूँ और मैं इसे सिक्स व्हील्स बना देता हूँ। पेट नंबर थ्री है तो आप हैंड्स को कर लेंगे और हैंड्स भी हम एकदम बबल बी की तरह बनाएंगे, तो आपको अगर आपने बबल बी की वीडियो देखी तो आपको पता ही होगा और अगर नहीं देखी तो डू चेक इट आउट। हाँ जी, तो हम जल्दी से हाथ बना के आ जाएं। तो गाइस यहाँ पे हमने ऑप्टिमस प्राइम का फुल बॉडी बना ली है, अभी ये इसका एक ब्लास्टर है, हैंड्स है, हमें हैंड्स बनाने पर हमने गलती से ब्लास्टर्स बना लिए और दूसरा वाला हम अभी रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि उसका मैग्नेट निकल गया है, वो तो पहले हम रिपेयर कर रहे थे क्योंकि उसका मैग्नेट निकल गया था, तो ये ठीक हो चुका है। तो अब हमें सिंपली करना क्या है, ब्लेड का हमने टेम्पलेट नहीं लिया क्योंकि सबको ब्लेड की शेप आती है, तो नॉर्मली एक ब्लेड की शेप काटनी है, उसे कार्डबोर्ड पे पेस्ट करना है और फिर उसको कट करना है, उसे इंटू टू करना है, दो हमारे को ब्लेड बनाना, तो हम जल्दी से ब्लेड का यहाँ पे हमने चाकू बना लिया है और यहाँ पे हमारे ब्लास्टर्स भी रेडी हो चुके हैं, तो ये ऐसे यहाँ पे मैग्नेट की हेल्प से स्टिक हो जाता है और ब्लास्टर्स भी स्टिक हो जाते हैं, तो यहाँ पे काफी बढ़िया लेवल का हमारा चाकू रेडी हो चुका है। तो गाइस अब हमारे को बारी आती है, हमने साइड पे पेपर लगा दिया और उसका साइज थोड़ा सा छोटा किया, ऊपर से काट के मोटा कर दिया और ऊपर से काट दिया। हाँ तो गाइस अब हम बनाएंगे दो लास्ट पार्ट, गाइस लास्ट टू पार्ट आ रहे हैं, और पीट नहीं, ये पैर का जो नीचे वाला पार्ट होता है फीट, वो पीट तो पीट का क्या करना है, पीट चल रहने दो, पीट और हमने हाथ को पीट की जगह पे गलती से पहले ब्लास्टर्स बना दिए थे, हाँ हमारे को पहले हाथ बनाना था पर हमने ब्लास्टर्स बना दिए। हाँ तो मैं जल्दी से टेम्पलेट्स निकालता हूँ, तो गाइस यहाँ पे मैंने टेम्पलेट के यहाँ काट लिए, इसको मैंने ब्लैक टेप से कवर कर लिया और ये पीस भी, ये वाला हमारा हाथ बिल्कुल रेडी हो चुका है एज ए नॉर्मल हाथ, ऑप्टिमस प्राइम का हाथ काला होता है, हमारा काला नहीं होता। तो गाइस यहाँ पे हम मैग्नेट्स लेंगे, पर अगर गलती से काले कलर इस पे लग जाए तो थोड़ा बहुत काला हो जाता है, चलो वो थोड़ी अलग बात है। तो हम मैग्नेट्स लेंगे और जो साइड कनेक्ट हो रही है ना गाइस, और वहां साइड को हम इधर चिपकाएंगे ऐसे, और ये वाली साइड उस पर कनेक्ट हो रही है, तो गाइस मैं इसको यहाँ पे चिपका दूंगा और ऐसे ही मैं दूसरे पे भी कर दूंगा, और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर हैंड्स को हॉट ग्लू कर देंगे और इसको भी हम हॉट ग्लू गन की मदद से ही चिपका, यहाँ पे हम चिपका दिया और यहाँ पे बिल्कुल इसका हेड रेडी हो चुका है, तो पहले बिल्कुल टेप्ड वाटर प्रूफ, तो ये ऐसे चिपक रहा है, इसकी जगह हम हटा के ब्लास्टर्स भी लगा देते हैं क्योंकि सारे ट्रांसफॉर्मर्स के हाथ अंदर जाके ब्लास्टर्स आ जाते हैं सिर्फ बम्बलबी को छोड़ के। तो यहाँ पे मैंने आपको ब्लास्टर हैंड्स और चाकू लगा के दिखाया, तो अब बारी आ गई है आखिरी पार्ट जहाँ के लिए हमने यहाँ पे मैग्नेट्स लगाए थे, वो की है इसके फीट, उसके लिए ऑफकोर्स हमारे को टेम्पलेट चाहिए, मतलब हर चीज को बनाने होता है एक्सेप्ट चाकू, चाकू तो की शेप हम चाकू की शेप हम खुद भी काट सकते हैं क्योंकि वी आर प्रो, तो वैसे थोड़ी बहुत मजाक चल रहा है हमारे, बट जोक सपाट हम इसको जल्दी से कट कर लेंगे, यहाँ पे मैग्नेट चिपका देंगे इसको क्योंकि जैसे हमारे को व्हाइट आइवरी पेपर पे ट्रेस करना है, यहाँ पे दो डॉट्स बने हुए हैं, दो मैग्नेट्स, हाँ दो छोटे मैग्नेट्स पर हम बड़े मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं फिलहाल, तो हम एक बड़ा मैग्नेट लगा देंगे और इसको जल्दी से व्हाइट आइवरी पेपर पर ट्रेस करेंगे क्योंकि जो कार्टिलेज थोड़ा कमजोर है, नहीं व्हाइट पे इसलिए करेंगे क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम के पैर जो होते हैं फीट वो व्हाइट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे काफी वधिया लग रहे हैं, मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ सॉरी,
तो यहाँ पे हम इसके हाथ को निकाल के चाकू ब्लास्टर लगा सकते हैं, चाकू लगा सकते हैं और इसके पैर भी इसके हाथ से लगा सकते हैं, इसके पैर भी इसके हाथ पे लगा सकते हैं, वो रेपल होगा। अरे क्योंकि इसमें अच्छा रेपल साइड है वो। अच्छा तो गाइस हमने यहाँ पे उसके पैर भी चिपका दिए, यहाँ पे हमने पैरों सारी चीजों का टेम्पलेट में डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सॉरी टेम्पलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। हाँ तो सॉरी मुंह से निकल गई भैया। तो यहाँ पे हम इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसके पैरों फीट को निकाल देंगे, इसके हेड को निकाल देंगे, इसके हाथों को निकाल देंगे, सब कुछ निकाल देंगे, इसको डिसेबल कर देंगे ताकि कुछ ना कर पाए। यहाँ पे रेडी हो चुका है, जो सफाई है यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और मैं आपको कुछ एडिशनल फोटोज दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ताकि आप देख सके कि अगर आप ये बनाना चाहते हैं और आपका बनने के बाद कैसा लगे। आप हमें बताइए कि हमने कितने बार हमारी जुबान मिस हुई है इस वीडियो में, प्लीज। हाँ गाइस, तो गाइस हम इसके पीछे जो होता है ना उसका ट्रेलर टाइप, हम वो भी ला सकते हैं, पर हमने वो नहीं बनाया। अच्छा वो जो एक्स्ट्रा वो एड ऑन करता है, वो हमने नहीं बनाया, वरना ज्यादा कुछ फालतू में हो जाता। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।